बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद जोहार। आज राज्यपाल के अभिभाषण पे पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा चर्चा की जा रही है। पिछले चार अभिभाषणों को हमने देखा, पक्ष और विपक्ष एक तरफ तारीफों का पुल बांधना ही कर्म है और धर्म है चला, और दूसरी तरफ बुराई करना ही कर्म है और यही धर्म है, ये देखने मिला मुझे चार और ये पांचवे अभिभाषण में। सभापति महोदय, मैं बता दूँ हमारी पार्टी को 10 मिनट मिले हैं, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा, मुझे बोलने का अवसर दें। माननीय सभापति महोदय, बाकी आपकी पार्टी के सदस्य कल बोलेंगे ना, आपको 7 मिनट मिली, आप बोलिए। सर, हमें इस चेयर से ही हमें 10 मिनट दिए गए हैं अध्यक्ष महोदय द्वारा, और मैं चाहूँगा आपका संरक्षण मिले और मुझे 10 मिनट बोलने का अवसर प्रदान करें। बोलिए। माननीय सभापति महोदय, पिछले इन 4 सालों के अंदर हमारे राजस्थान की सरकार ने, जैसे कि हमारे विधायक कोटे का जो राशि थी उसको बढ़ाया, मिसिंग लिंक सड़क दी, हमारी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल के लिए करेणा प्रोजेक्ट जो स्वीकृत किया, इन सभी कार्यों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही राज्य सरकार की जो योजना है, राज्य सरकार के ये भी अभिभाषण में 15 नंबर पे लिखा गया था कि राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, और उसी को आगे बढ़ते हैं तो चिरंजीवी योजना का काफ़ी बखान हुआ। माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना एक शानदार योजना है, लेकिन धरातल पे जा पा रही नहीं जा पा रही, क्या ये योजना सिर्फ कागजों में सीमित हो पा रही है? माननीय सभापति महोदय, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन लगा के आंकड़ा निकलवाया कि आदिवासी क्षेत्र में जो गर्भवती महिला है, एनीमिया का क्या आंकड़ा है? तो 70% एनीमिया महिला है, और एक बैंकर जो आंकड़ा आया, 2,15,712 महिलाओं का टेस्ट हुआ, और इसमें से 1,39,000 महिलाएं एनीमिया पाई गई, और इसमें से 11,000 जो महिला है उनके अंदर भयंकर एनीमिया पाया गया। इससे ये साबित होता है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो योजना है वो कहीं न कहीं एक दरी रह जा रही है और कागजों में सिमटती हुई जा रही है। माननीय सभापति महोदय, निःशुल्क जाँच की बात होती है, निःशुल्क जाँच अच्छी बात है, हो भी रही है, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल है, हमारे PHC CHC है, उनमें मशीनें खराब होने की वजह से नहीं हो पाती है, और वो लोग प्राइवेट जगह पे जाते हैं, और प्राइवेट पे इतनी मोटी रकम वसूली जाती है, राज्य सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं है कि किस प्राइवेट जो क्लिनिक है उनसे कितना कितना जो मरीज आ रहा है उससे कितना कितना राशि लिया जाए, अभी तक कोई तय नहीं हो पाया है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर एक सिलिकोसिस नाम की एक भयंकर बीमारी है, और उस बीमारी के बारे में राज्य सरकार अभी तक चिंतित नहीं है, लगभग कई डॉक्टरों को भी इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये अनुवांशिक बीमारी है, और उस बीमारी को लेके गुजरात सरकार देखे, महाराष्ट्र सरकार देखे, आंध्र की सरकार, केरल की सरकार काफ़ी चिंतित है। ये एक सिलिकोसिस सिकल सेल बीमारी, जो सिकल सेल बीमारी एक अनुवांशिक बीमारी है, और अधिकतर ये ट्राइबल इलाकों में पाया जाता है, और ये गुजरात में जो ट्राइबल इलाका है उसमें 14% ये सिकल सेल बीमारी अब तक पाई गई है, लेकिन राजस्थान के अंदर हम इसकी स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, और मैं चाहूँगा इस सदन के माध्यम से कि इसकी स्क्रीनिंग की जाए और इन लोगों को दवाई उपलब्ध कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले बजट में हमारे आदिवासी विकास कोष के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बजट का अब तक कहाँ कहाँ उपयोग किया गया, वास्तविक वो बजट धरातल पे नहीं उतरा गया। अभी इस अभिभाषण में 93 नंबर पे लिखा हुआ था कि आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा, उसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस संस्कृति के आधार पे हमारे लोगों को जो सर्टिफिकेट मिला है, और उस सर्टिफिकेट के आधार पर हम लोग चुनाव जीत के यहाँ पर आते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज मैं विधायक बना हूँ तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे मत दिया, और जब मैंने आवेदन किया तो मैंने सर्टिफिकेट लगाया आदिवासी होने का, उस क्षेत्र का नागरिक होने का सर्टिफिकेट लगाया, तो मैं वहाँ पर मेरा नामांकन पास हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है कि कई इस पार्टियों में रहने वाले लोग जो सर्टिफिकेट को कम महत्व देके पार्टियों की टिकट को महत्व देते हैं, और इसी आधार पर इसी कारण से ये इस क्षेत्र की बात होती है, आदिवासी के समाज की बात होती है, हक अधिकार की बात होती है,
वो यहाँ पर आके नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है आने वाले समय में एहसास कराएगी कि टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी के सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आई, क्या नाम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाए गए, लेकिन वर्तमान समय के अंदर हमने स्कूलें खोल दी, सब कुछ किया, हमने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि पता नहीं ऊपर के जो आईएएस लोग हैं किस तरीके से बैठते, सुबह 11 बजे से सूचना मंगाते, जो टीचर लगा हुआ एक टीचर पोशार पे लगा रहेगा, एक टीचर शाला दर्पण पे लगा रहेगा, एक आधा प्रशिक्षण में जाएगा, तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे। हम ऐसी व्यवस्था करें कि कोई भी सूचना मंगाए तो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक किसी प्रकार की सूचना नहीं, शाम के 1 घंटा जो समय रहता है 3 से 4 बजे, उस दौरान ही किसी भी प्रकार की जो सूचना है उस सूचना को मंगाया जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी हमने कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, कभी 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 बार दुख होता है कि एसटीएससी का जो है कहीं ना कहीं फील करते हैं कि कांग्रेस में हम एक सेफ महसूस करते हैं। कंक्लूड कर लीजिए अपना, कंक्लूड कर लीजिए। सभापति महोदय, मेरा समय अभी 6 मिनट ही हुआ है, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, हमारा जो समय है उसी समय में हम बोलने दिया जाए। सभापति महोदय, उधर से बात हो रही थी कन्हैया कुमार पे, बात करके गुजरात में बहुत वोट ले लिए उन्होंने, लेकिन राजस्थान के अंदर एसटीएससी पे जो मामले हो रहे, एसटीएससी को लेके भी इंद्र कुमार मेघवाल जो पानी पीने गया उस पर अत्याचार हुआ, उसको मार डाला, कार्तिक बिल जो सिरोही में मार डाला, इस पे ना तो विपक्ष बोल रहा है ना पक्ष बोल रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम चाहेंगे कि इस सरकार में भी अगर एसटीएससी सुरक्षित नहीं है तो आने वाले समय में एसटीएससी के लोग कहीं ना कहीं नया रास्ता देखेंगे। माननीय सभापति महोदय, पेपर लीक को लेकर काफी चर्चा चली, मैं इस पे कहना चाहूंगा, राज्य सरकार ने प्रावधान किया था कि निःशुल्क बस की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन हर बार जो हमारे डूंगरपुर के लोग उदयपुर चित्तौड़ की तरफ एग्जाम देने आते हैं, लेकिन रिटर्न जाने के लिए उनके बसों की व्यवस्था नहीं हो पाती है। माननीय सभापति महोदय, अभी पोषाहार को लेकर काफी चर्चा हुई, आईसीडीएस विभाग के द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो उसमें कुपोषित अति कुपोषित को दूर करने के लिए सरकार की कई योजना है, उस योजना के माध्यम से हम पोषाहार उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कहीं नहीं वो पोषाहार पशु आहार बनता जा रहा है, और ये वास्तविकता है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं पंचायती राज विभाग की बात करूंगा, हमारे डूंगरपुर जिले में नरेगा की कोई योजना है कहीं ना कहीं ठप पड़ी हुई है, और उसका मूल कारण ये है कि दो पार्टियों के द्वारा मिला हुआ जिला प्रमुख बिठाया गया है, तो राज्य सरकार मंत्री जी ध्यान दे कि डूंगरपुर जिले में पंचायती राज की योजनाओं पे ध्यान दे। माननीय सभापति महोदय, बजरी को लेके काफी चिंतित है सदन और राज्य की जनता परेशान है। माननीय सभापति महोदय, हमारे लोग गुजरात से बजरी लाते हैं, वो बजरी 700 रुपए टन पड़ती है, तो बजरी की व्यवस्था की जाए, वैसे तस्करी हो ही रही है, जैसे गुजरात में ब्लैक मनी तैयार करने के लिए शराब पे प्रतिबंध लगाया, लेकिन आज भी शराब दबा के चल रहा है, वो ब्लैक मनी तैयार हो रही है, तो राजस्थान के अंदर भी बजरी पे प्रतिबंध लगा रखा है और दूसरी ओर एक ब्लैक मनी तैयार हो रही है, तो हम चाहेंगे जो जो वास्तविक जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बजरी की व्यवस्था कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट एक मिनट, मेरे विधानसभा की कुछ डिमांड है, सीएससी सिमलवाड़ा को उप जिला चिकित्सालय क्रमोन्नत कराया जाए, साथ ही कन्या महाविद्यालय खोला जाए, और चिकली में हमारे मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट खोला जाए, आईएन ऑफिस जो धम्बोला है उसको एक्शन ऑफिस कराया जाए, और ज्योति और चिकली को आईएन ऑफिस कराया जाए, साथ ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र खोला जाए, और करणा से जो सिंचाई परियोजना के लिए इस बार प्रावधान किया जाए, साथ ही हमारे क्षेत्र में संत सुरमाल महाराज के अनुयायी लोग हैं ज्यादा, तो हम चाहेंगे संत सुरमाल महाराज की भक्ति के संरक्षण के लिए केंद्र बने, और साथ ही पेनोरमा विकसित किया जाए। सभापति महोदय, आपको धन्यवाद।